जथा राजा तथा प्रजा। धर्मेण राज्यम लभते मनुष्या स्वर्गम च धर्मेण नरा प्रयाति। आयुष्य कीर्ति न तपस्य धर्म धर्मेण मोक्षम लभते मनुष्य। धर्मोत्र माता पितरौ नरस धर्मः सखा चात्र परे चलो के त्राता च धर्म स्तुहि मोक्षदाच। धर्माद्रते नास्ति तो किंचिदे। धर्म के द्वारा ही मनुष्य को सब कुछ प्राप्त होता है। आयु यश कीर्ति वैभव स्वर्ग सब कुछ मोक्ष की प्राप्ति धर्म के द्वारा। परंतु यहां पर अधर्म का बोलबाला हो गया। पूरे राज्य में जो स्थिति रावण के राज्य में थी, अस भ्रष्ट अचारा भाषण सारा धर्म सुनिय नहीं काना। अस्पृष्टि अचारा भाषण सारा धर्म सुनिय नहीं काना। देहि बहु विधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराना। देहि बहु विधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराना। अस भ्रष्ट अचारा भाषण सारा धर्म सुनिय नहीं काना। अस भ्रष्ट अचारा भाषण सारा धर्म सुनिय नहीं काना। नाना प्रकार से इसके राज्य में उपद्रव बढ़ने लगे। महाराज भगवान की कृपा तो एक बार सबके दरवाजे पर कुंडी खटखटाती है। महापुरुष आ गए, संत आ गए कृपा करने के लिए। परंतु जो सो रहा है, मोह की मदिरा का पान कर चुका है, वो उस कृपा को पहचानता नहीं। और महाराज संतों के साथ में दुर्व्यवहार किया तो साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। साधु की सेवा से तत्काल लाभ मिलेगा और संत के अनादर से भी तत्काल लाभ मिलेगा। इसका शरीर शांत हो गया। प्रजा में त्राही त्राही मचने लगी। महाराज बिना राजा के हम कैसे रहेंगे, आप कृपा कीजिए। तब महात्माओं ने उसके कटी प्रदेश का मंथन किया। उससे काला काला पुरुष प्रकट हुआ। उसको संतों ने निषिद्ध निषिद्ध कह करके किनारे किया, दूर करो दूर करो। वहीं से निषाद जाति की उत्पत्ति हो गई। प्रश्न ये उठा कि राजा चाहिए तो भुजा का मंथन करो। दाहिनी भुजा का मंथन किया तो दाहिनी भुजा के मंथन से भगवान के 24 अवतार में से एक अवतार प्रकट हो गए। बोलो पृथु जी महाराज की। अर्ची महारानी की। पृथु जी के प्रकट होते ही सारी प्रजा पृथु जी के सामने उनकी प्रशंसा करने लगी। महाराज के जीवन की जय जयकार हो, आपका तो स्वभाव ऐसा, आपका प्रभाव ऐसा। पृथु जी ने कहा भैया मैंने अभी आपका कोई काम नहीं किया और बिना कुछ किए आप मेरी ऐसी प्रशंसा क्यों करते हो, क्या चाहते हो मुझसे, क्या चाहते हो। तब प्रजा ने कहा महाराज इस बेन के अत्याचार से पापाचार से व्यभिचार से दुराचार से पृथ्वी ने अपने समस्त पदार्थों को समाहित कर लिया है अपने में, इसलिए नाथ आप कृपा कीजिए
कि कुछ व्यवस्था हो, यहां तो त्राही त्राही हो रही है। पृथ्वी ने समस्त पदार्थों को, क्योंकि ये वीर भोग्या वसुंधरा है, ये संत भोग्या वसुंधरा है, ये सती भोग्या वसुंधरा है, ये तीन के लिए पृथ्वी है। सारा संसार इन तीन के पीछे छुप करके सांस ले रहा है। पर देखो कलयुग का प्रभाव, देखो इन तीनों में संसार दोष खोजता है। सती के ऊपर उंगली उठाएंगे, संत के ऊपर उंगली उठाएंगे, और वीर के ऊपर उंगली उठाते हैं। एक स्मृति की आख्यायिका याद आ गई। एक 10 लोग यात्रा कर रहे थे, कहीं जा रहे थे। वर्षा का समय था, घनघोर जंगल था, बादल काले काले घिराए, कड़कने लगे। सोचा कहां कहीं कोई सुरक्षित जगह हो तो रुक जाएं, बारिश निकल जाएगी फिर चले जाएंगे। सामने देखा तो एक गुफा थी, गुफा में जाकर के प्रवेश कर गए। जब गुफा में प्रवेश किया, वर्षा घनघोर होने लगी, पर जो बिजली कड़कती और वो बिजली गुफा के सामने दरवाजे तक आती वापस हो जाती। उन 10 में से विचार किया कि लगता है हम में से कोई पापी है, जिस पापी के लिए ये बिजली आकाश से गिर रही है। परंतु एक एक 9 पुण्यात्मा है, इसलिए जो है ये वापस हो रही, पर कब तक वापस होगी, एक के पीछे हम भी मारे जाएंगे। इसलिए भाई ऐसा करो कि सामने जो पीपल का पेड़ है, एक एक व्यक्ति जाके स्पर्श करके आओ, जो पापी होगा उसके ऊपर बिजली गिर जाएगी। ड्यूटी लग गई, पहला गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा, जब 9 के 9 चले गए पर बिजली नहीं गिरी, 10वां बचा। सबने निर्णय किया कि यही पापी है, इसी के कारण ये बिजली बार बार आ रही है। उसने कहा भैया मुझे मत धक्का दो, मुझे मत बाहर करो, वो दैन भाव प्रकट कर रहा था। पर उन 9 लोगों ने जैसे गुफा से बाहर धक्का दिया, महाराज गुफा से बाहर धक्का देते ही गुफा के अंदर बिजली गिर गई और वो 9 के 9 मर गए और वो 10वें नंबर वाला बच गया। कहने का तात्पर्य कि उस एक के पुण्य के प्रभाव से वो 9 सुरक्षित थे, पर वो 9 उसको पापी समझ रहे थे। ये संसार की गणना है महाराज, ये धरा धर्म के लिए है, अधर्म का कोई यहां पर स्थान नहीं है। पृथ्वी ने तो स्वयं कहा है, गिर सर सिंधु भार नहीं मोही, मुझे बड़े बड़े पर्वत, समुद्र, नदियां, इनका भार नहीं लगता, मुझे सबसे बड़ा भार लगता है जस मोहि गरु एक परद्रोही। एक परद्रोही पृथ्वी का भार है। अब आप सोचो कलयुग में जो उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सारा चित्रण किया है, परद्रोही परदारत परधन पर अपवाद, कलयुग में मात्रा ज्यादा है महाराज। यही कारण है कि जैसे जैसे अधर्म बढ़ रहा है तैसे तैसे कलयुग में पृथ्वी अपने तत्वों को खींच रही है। आज 30 वर्ष पहले तुलसी के पत्ते में जो कड़वाहट थी,
आज नहीं है। वही बीज है, वही पानी है, वही तुलसी है, वही आंगन है, वही गमला है, पर पता नहीं चलता कि तुलसी का पत्ता खा रहे हैं या पालक का पत्ता खा रहे हैं। वही भैंस है, वही गाय है, वही घास है, वही चारा है, वही खल है, वही बिनोला है, परंतु आज उस भैंस के दूध में, गाय के दूध में वो मोटी मोटी मलाई नहीं पड़ती। क्यों? जैसे जैसे पाप बढ़ता है पृथ्वी अपने तत्वों को खींच लेती है। आज गेहूं में वो मिठास नहीं है, चावल में वो स्वाद नहीं है, जैसे जैसे धरा में पाप बढ़ता है पृथ्वी अपने तत्वों को खींच लेती है। प्रजा ने कहा महाराज, इस बेन के अनाचार के कारण पृथ्वी ने अपने समस्त तत्वों को अपने में समाहित कर लिया, आप कृपा करें। महाराज पृथु ने पृथ्वी को मारने के लिए धनुष में बाण चढ़ा दिया। अरे धरा, तूने प्रजा के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार किया। पृथ्वी शरण में आई। पृथ्वी ने कहा महाराज, आप मुझे मार देंगे, आप समर्थ हैं, परंतु किस लिए मार रहे हो? महाराज प्रभु ने कहा कि आपने प्रजा के साथ में, प्राणियों के साथ में दुर्व्यवहार किया है, इसलिए मैं मारूंगा। पृथ्वी ने कहा, जब आप मुझे मार देंगे, मुझे समाप्त ही कर देंगे, तो प्रजा को रखेंगे कहां? जब कोई आधार नहीं होगा तो प्रजा को कैसे रक्षण करेंगे? महाराज मैं आपको तरीका बताती हूं। कुछ वस्तुओं के लिए ऋषियों ने, देवताओं ने, सबने दोहन किया। इस प्रकार से महाराज प्रथु ने प्रजा के हित के लिए पृथ्वी का दोहन किया। महाराज प्रथु को सनत कुमारों का दिव्य सत्संग प्राप्त हुआ। महाराज प्रथु ने तप किया, तप से भगवान प्रसन्न हुए, और भगवान के प्रसन्न होते ही जब भगवान ने कहा ब्रह्म ब्रूहि, वरदान मांगो, तो प्रथु जी ने कहा नाथ, इन दो कानों से कथा सुनते सुनते तृप्ति नहीं होती, इसलिए आप मुझे 10,000 कान प्रदान कर दो। 10,000 कान, आप सोचते होंगे भगवान ने 10,000 कान प्रथु जी के छोटे छोटे पूरे शरीर में चिपका दिए होंगे, पर नहीं, वो होम्योपैथिक की दवाई होती है, सफेद सफेद गोलियां, मीठी मीठी, छोटी सी डिब्बी, उतनी ही दवाई गोलियां, उतनी ही डिब्बी, और उसी में डॉक्टर बीमारी के अनुसार 200 mg दवा छीट देता है, उसी डिबिया में 400 mg, उसी में 600 mg, डिबिया उतनी ही, गोली उतनी ही, दवा की मात्रा बढ़ा देता है डॉक्टर। ऐसे ही परमात्मा ने दो कानों में ही 10,000 कानों के बराबर सुनने का पावर प्रदान कर दिया। बड़ा अद्भुत उपदेश हुआ, और प्रथु जी महाराज सपत्नीक धाम के लिए प्रस्थान किए। उन्हीं के वंश में प्राचीन वरही नाम का राजा हुआ, जो बड़ा धर्मात्मा था, बड़े बड़े यज्ञ करता था, पर यज्ञ के अंत में पशुओं की बलि देता था, हिंसा करता था, बहुत से यज्ञ उसने किए, परंतु उस पर उसने, यज्ञ तो नारायण का स्वरूप है, यज्ञ किया, पर यज्ञ करने के बाद भी उसके मन में शांति नहीं थी,
बेचैनी और बढ़ रही थी। यद्यपि जितने भगवत कार्य हैं, भगवत कार्य इसलिए किए जाते हैं, यज्ञ पूजा पाठ जप तप कथा कीर्तन ये जितने भी साधन हैं, ये सारे साधन मन की शांति के लिए किए जाते हैं, क्योंकि सारा खेल मन के हाथ में है। ये साधन मन के लिए, मन को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है, पर हम साधन भी करें और मन में शांति भी ना आए, वो साधन किस काम का। मन में बेचैनी पड़ती थी। नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी से उन्होंने प्रश्न किया, बाबा मैंने इतने बड़े बड़े यज्ञ किए पर मुझे लगता है यज्ञों का फल नहीं मिलता होगा। नारद जी ने कहा, तूने यज्ञ तो किया है पर यज्ञ में जो बलि दी है, जो हिंसा की है, यह धर्मात्माओं का काम नहीं है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। और तुमने तो इतने पाप किए पर राजन जानते हो ये कर्म भूमि है, आपने जितने जीवों को मारा है वो सब आपसे बदला लेने के लिए खड़े हैं। दिव्य दृष्टि से नारद जी ने आकाश की ओर दिखाया, देखो वो बड़े बड़े सिंह वाले, बड़े बड़े दांत वाले, बड़े बड़े नाखून वाले सारे खड़े थे। बोले किस लिए खड़े हैं? बोले ये सब तुमसे बदला लेंगे। और घबराया, बाबा कृपा करो, बचाओ बचाओ। नारद जी ने कहा, बचने का एक ही उपाय है कि अपने आप को पहचान जाओ। बचने का एक ही उपाय है, अपने आप को पहचान जाओ। जब आप अपने आप को पहचान जाओगे तो संसार से बच जाओगे। यदि अपने आप को नहीं पहचाना तो संसार से बचना बहुत कठिन है। मैं कौन हूं? हम दूसरे से तो पूछते रहते हैं, हु आर यू, पर कभी हमने अपने आप से नहीं पूछा, मैं कौन हूं, मेरा क्या अस्तित्व है। तो महाराज जब पता करते करते आप पहुंचोगे तो एक ही शब्द हाथ में आएगा, ईश्वर अंश। हम सभी ईश्वर के अंश हैं, और जब ईश्वर के अंश हैं तो हमारा कौन है? हमारा अपना कौन है? हमारा अपना ईश्वर है। जब ईश्वर हमारा अपना है तो फिर संसार को अपना क्यों बनाते हैं? संसार में हाय हाय क्यों करते हो? अपने स्वरूप का बोध जीव को अवश्य होना चाहिए। जब तक स्वरूप का बोध नहीं है तब तक सब कुछ बेकार है। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं भगवान क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं भगवान क्या करे। को जाना नहीं भगवान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं भगवान क्या करे। निज रूप को जाना नहीं भगवान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं भगवान क्या करे।
अकल दी सकल दी और दिया ज्ञान है, अकल दी सकल दी और दिया ज्ञान है। सब कुछ दिया जिस परमात्मा ने, माता बंदा न करे बंदगी भगवान क्या करे, बंदा न करे बंदगी भगवान क्या करे, जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं भगवान क्या करे, निज रूप को जाना भगवान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं भगवान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं भगवान क्या करे। निज स्वरूप जंगल में चलता 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 फिर नौ दरवाजे वाला महल नजर आता है। जब इस महल में प्रवेश करता है तो बुद्धि रूपी उस युवती से मुलाकात होती है। किस प्रकार से उसके साथ में फिर इस नगर में निवास करता है और अंत में इसी में समाप्त हो जाता है, दुख में पैदा होता है और दुख भोगते भोगते चला जाता है। पैदा हुआ तो दुख पाया, जवान हुआ तो कामादिक विकारों से दुख पाया, और बुढ़ापा आया तो अपना ही शरीर दुखदायी हो जाता है। इसलिए समय रहते अवसर रहते भगवान का स्मरण ही जीवन का सार है। मैं पुनः वो पंक्ति स्मरण कराता हूं कि कर्म के पुजारी, ये कर्म कांडी था प्राचीन में रही, कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, हरम के पुजारी हरम चाहते हैं, न खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो वो हम चाहते हैं। परमात्मा की कृपा में ही जीवन का लाभ है। कभी घी घना कभी मुट्ठी भर चना और कभी वो भी मना, सुख भी मुझे प्यारे गए दुख भी मुझे प्यारे गए, छोड़ू मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे गए, प्यारे हैं दुख भी मुझे प्यारे हैं सुख भी मुझे प्यारे हैं सुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे सारी के
अगले क्रम में दक्ष का राज्याभिषेक, प्रचेताओं को नारद जी का उपदेश और उनकी मुक्ति के साथ में चतुर्थ स्कंध को विश्राम देते हुए पंचम स्कंध में सुखदेव जी ने परीक्षित जी को प्रियव्रत जी का नाम लिया।